आपका नेक्स्ट वर्क है मैथ्स। मैथ्स में आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग के लिए मैंने यहाँ एक स्मॉल सी एक्टिविटी की है, स्माइली एक्टिविटी। क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा ही स्माइल करते रहे, उनके फेस स्माइली फेसेस हैं, तो सारे बच्चे मेरे हैप्पी हैप्पी रहे, इसीलिए मैंने ये आपके लिए स्माइली एक्टिविटी की है। सबसे पहले मैंने कितनी स्माइली बनाई है? 10। कितनी बनाई है? 10। फिर मैंने 1 लेस कर दिया, फिर मैंने बनाई 9, फिर 1 लेस कर दिया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे भी सुंदर सुंदर सी स्माइली बनाएंगे, मम्मा स्माइली बनाएंगे, पर मेरे प्यारे बच्चे उसमें कलर फिल करेंगे। और साथ साथ में आपको यहाँ करनी है 2 टाइम, आपको 10 to 1 तक रिवर्स काउंटिंग भी साथ में लिखनी है। और आपको बच्चों हमेशा ही आपको इस बॉक्स को टच कर ही आपको वर्क करना है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे तो अच्छे से वर्क करते हैं, कुछ बच्चे बॉक्स को पूरा प्रॉपर टच नहीं करते हैं, उससे आपकी बच्चे राइटिंग सुंदर आती है। जब आप बड़ी क्लास में हो जाएंगे तो आप सुंदर सुंदर वर्क करेंगे तो सभी आपको पूछेंगे कि ये सुंदर सुंदर सी राइटिंग आपको किसने सिखाई है। तो फिर आप क्या बोलोगे कि मेरी मैम ने सिखाई है ये सुंदर सुंदर राइटिंग। हमेशा ही लाइन को टच करके लिखना है, उससे मेरे प्यारे बच्चों की सुंदर राइटिंग बन जाएगी। अब हम करेंगे, पहले तो आपकी मैम वर्क करती हैं, उसके बाद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो बच्चों अब हम लिखेंगे इसको नोटबुक में। यहां आप बनाएंगे स्माइली एक्टिविटी, रिवर्स काउंटिंग। एक मैंने आपके लिए स्माइली भी दे दी क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे सुंदर वर्क करते हैं। 1 0 10, टी के नीचे 1, ओ के नीचे 0, और ओ के नीचे ही आपको 9 लिखना है। बॉक्स को टच करते हुए देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा जाता है, सुंदर सुंदर। अरे वाव, 3 2 1। तो बच्चों ऐसे ही आपको ये वर्क करना है। आज मैं आपको एक स्मॉल सी राइम भी सिखाऊंगी, आपका ये सेकंड वर्क है। द व्हील ऑफ द बस, द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड द राउंड, राउंड एंड द राउंड, राउंड एंड द राउंड, ऑल थ्रू द डे, ऑल थ्रू द डे, है ना? ये है आपकी 2 लाइंस। आप इसकी राइम को लर्न भी करेंगे साथ साथ में। तो बच्चों कल हम फिर से आएंगे न्यू वर्क के साथ, न्यू एक्टिविटी के साथ। तो ओके बच्चों, बाय बाय।